Hi friends, Dr. Gunjan Gupta Govil, Director and Founder, Gunjan IVF World. Today, मैंने सोचा, commonly जब मैं practice में बैठी होती, patients आते हैं, endometriosis की condition से suffer कर रहे होते हैं. Fertility के regarding, दर दर की ठोकरे खा खा के परेशान हो चुके होते हैं. मतलब, कई बार बैठने के बाद ना उनका पहला सवाल ये होता है, मैम ये बताओ, can I become a mother? क्या मैं एंडोमेट्रियोसिस के साथ अपने एक्स के साथ प्रेग्नेंट हो भी सकती हूँ? एंड द आंसर टू देम इज लाइक यस यू कैन, लेट मी इवैल्यूएट यू फर्स्ट, मुझे देखने तो दो, क्यों इतना डिजेक्शन? एक्चुअली क्या है ना कि एंडोमेट्रियोसिस एक लिटरली दीमक की तरह होती है, वो अंदर से आपकी बॉडी को खाती जाती है, डिशेस बन जाते हैं, एग्स नहीं बचते हैं, तो इट बिकम्स अ टफ सिचुएशन. Even with IVF, it is a tough nut to crack. So, मैंने सोचा जब इतना dejection है इस बीमारी के नाम, why not talk about few success stories? मैंने सोचा मैं दो patients की story आपके साथ share करती हूँ, which I would call them the endometriosis warriors, and they are the ones who successfully achieved a pregnancy. So, दोनों stories में थोड़ा difference है. They both suffered from endometriosis and in the end we will talk about ki kisne kaise kiya, kaise ek patient dusre se behtar thi ya nahi thi as far as the results are concerned. Winners to dono hi the because they both achieved babies. Dekho, pehla jo couple mere paas aaya, unki 9 saal ko shaadi ho chuke the. They had taken n number of treatments, bahut samay tak to unko diagnose hi nahi hua tha, use period pain hota rehta tha, intercourse mein bhi pain hota tha, but log kehte the ye normal hai, is chakkar mein usne dikhaya hi nahi. Shuru mein 4 to 5 years of marriage usne dikhaya nahi. Uski around 28 years pe shaadi ho gayi thi, jab mere paas aayi to wo 37 years ki thi. तो उसके बाद उसने जनरल ट्रीटमेंट लिया, वैद हकीम से ट्रीटमेंट लिया, सब कुछ करती रही, बट शी ऑफ कोर्स डिडंट कंसीव, शी नेवर कंसीव्ड एट ऑल. शी केम टू अस एट द एज ऑफ 37 इयर्स, हस्बैंड उसका 40 इयर्स का था, एंड हमने फिर जब उन दोनों का टेस्ट किया तो पेशेंट जो है हमारी, उसका जो AMH था वो 1.2 था, विच वॉज ऑफकोर्स अ लो AMH, pretty low. उसने पहले भी एक उसकी रिपोर्ट थी विच वॉज नियरली द सेम. अल्ट्रासाउंड किया तो हमने देखा कि दोनों तरफ उसके bilateral ovarian cysts, जिसको हम endometriomas कहते हैं, वो थे. एक तरफ जो राइट साइड का एंडोमेट्रियोमा था वो 4 से 5 सेंटीमीटर साइज का था विद ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, दूसरे तरफ का जो एंडोमेट्रियोमा था वो 3 सेंटीमीटर था. राइट साइड में हमें 2 फॉलिकल्स दिख रहे थे, लेफ्ट साइड में हमें अनदर 3 फॉलिकल्स दिख रहे थे, एंड द क्वेश्चन वॉज वॉट टू डू, टू गो विद डोनर एग्स, टू गो विद सेल्फ एग्स, वॉट टू डू. हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस मोर और लेस नॉर्मल थी, तो वी वर स्लाइटली लकी एट दैट एंड कि चलो ठीक है, वहाँ पे एक इशू नहीं था. आफ्टर डिस्कशन विद द कपल शी सेड, मैम मैं ना चांस अपने से ही लेना चाहती हूँ, एक बार तो मैं डेफिनेटली चांस लेना चाहती हूँ. आई नो मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, क्वालिटी ऑफ एग्स कम होते हैं, हो सकता है नहीं मिले, बट आई वॉन्ट टू टेक दैट चांस. तो वी सेड ओके फाइन. तो हमने उनको थोड़ा बहुत जो प्री मेडिकेशन स्टार्ट किए, फॉलिक एसिड वगैरह दिया, ओवेरियन रिजर्व इम्प्रूव के लिए जो थोड़ी बहुत दवाइयाँ दे सकते हैं, विटामिन डी वगैरह सब स्टार्ट की, जेल वगैरह स्टार्ट किया, एंड वी सेड फ्राई फ्रॉम डे 2 वी विल स्टार्ट योर स्टिमुलेशन. उनका IVF का स्टिमुलेशन स्टार्ट किया, एंड ऑफ दोस जो हमारे 3 एक तरफ और 2 एक तरफ से 4 फॉलिकल्स रिस्पॉन्डेड. And we were like, अच्छा चलो 4 तो हैं, but of course we know 4 follicles doesn't mean to 4 eggs. तो anyway we carried on and day 12 पे हमने trigger दिया उनको, जो slow development था थोड़ा सा, eggs का responsive कम थी, उसको 12 days of injections in fact देने पड़े. और उसके बाद हमने जब pickup किया तो हमें 3 oocytes उस पे retrieve हो गए उनका. Very nice. Let us see how things go. We informed the couple and we said we'll go ahead. अब हमने जब इनको वो किया, अच्छा इनकी एक चीज जो मैं बताना भूल गई कि लैप्रोस्कोपी पहले ही हो गई थी, फिर हमने जो है इनके एग्स निकाले. अब इन 3 में से केवल 2 एग थे जो कि ठीक थे, 3rd तो बिल्कुल बेकार एग था. 2 एग्स का इक्सी किया एंड हमने कहा कितने एम्ब्रियोस बनेंगे,
बनते बनते वो एक एम्ब्रियो जो है वो ब्लास्टोसिस स्टेज पे पहुंचा। प्रोजेस्टेरोन लेवल वगैरह हमने करवाया हुआ था और हमने कहा कि यार अब ये एक ब्लास्टोसिस्ट है, हम इसका फ्रेश ट्रांसफर करें या हम इसको फ्रीज करके डाउन रेगुलेट करके ट्रांसफर करें। बड़ी दुविधा में फिर हमने डिस्कस किया कपिल के साथ, दे सेड नहीं मैम आप हमारा एम्ब्रियो फ्रीज कर दो, गिव अस द बेस्ट चांस, बिकॉज दोनों तरफ एंडोमेट्रियोमास थे इसके फिर से और पहले सर्जरी पहले ही हो चुकी थी। तो हमने कहा ठीक है, व्हाट वी विल डू इज वी विल डाउन रेगुलेट। तो उसके बाद फिर हमने इनको जो है उस एम्ब्रियो एक बच्चा एम्ब्रियो को हमने फ्रीज करके रख लिया। अब वो हमारे पास एक बेबी छोटा सा, बड़ा स्ट्रेस, फिर हमने इनको दवाइयाँ दी डाउन रेगुलेट के लिए, इंजेक्शन लगाए GnRH के 2 महीने और उसके बाद हमने एंडोमेट्रियल लाइनिंग डेवलपमेंट की फिर से कवायद शुरू की। खैर एंडोमेट्रियम इसकी अच्छी डेवलप हो गई और इसके हमने अराउंड 13-14 डे जब एंडोमेट्रियम डेवलप हो गई उसके बाद हमने पूरा प्रोसीजर करके ट्रांसफर किया एंड फ्यू विथ दैट वन एग वी अचीव्ड अ प्रेगनेंसी एंड शी हैज अ वंडरफुल डॉटर। She has a wonderful daughter. उसकी पिक्चर भी मैं शेयर करूंगी, इनफैक्ट हमारे चैनल पर उनका फीडबैक है जो आप जाके देख सकते हो। And with that one egg they achieved a pregnancy and they were so happy. After almost 10 years of married life they have had a baby and the life has changed. तो ये तो कहानी इनकी थी। अब एक दूसरा कपल आया था मेरे पास, मिस्टर एंड मिसेस वाजपेयी। वो लेडी खुद एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, डील्स विद लॉट ऑफ बेबीज एंड इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड हस्बैंड उसका फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब वो कहीं ना कहीं इस पैरामेडिकल फील्ड से रिलेटेड थे तो थोड़े अवेयर ज़्यादा थे। इनकी शादी को केवल 3.5 साल हुए थे, इसको काफ़ी पीरियड्स में पेन होता था तो रूटीन अल्ट्रासाउंड इसने करवाया था तो उसमें इसके भी बायलेटरल एंडोमेट्रियोमास थे, मतलब दोनों तरफ एंडोमेट्रियोमास बने हुए थे, एक तरफ वही 4 सेंटीमीटर का था इसका और इसके लेफ्ट ओवरी में जो है अराउंड 5 सेंटीमीटर का था। बिकॉज शी वॉज यंग, दिस लेडी वॉज ओनली 32 years व्हेन शी केम टू मी, सो शी हैड अ स्लाइट एडवांटेज ऑफ AMH। इनका AMH जो था वो 1.7 था जब हमने करवाया और फॉलिकल्स भी हमें 5 के करीब एक तरफ एंड 4 फॉलिकल्स दूसरी तरफ दिख रहे थे, तो वी कुड सी अराउंड 9-10 फॉलिकल्स इन टोटल विच वॉज लाइक व्यू वी कैन मे बी अचीव थिंग्स। सीमन में इनका बॉर्डर लाइन था मिस्टर वाजपेयी का एंड इट वॉज लाइक अराउंड 12 मिलियन विद अ मॉर्फोलॉजी ऑफ अराउंड 5% विच इज लाइक फाइन, इट वॉज इनफ फॉर इक्सी। सो अगेन वी स्टिमुलेटेड हर, हमने इनके एग्स निकाले और इनके हमें मिले टोटल 8 ओसाइट्स आफ्टर स्टिमुलेशन एंड वी वर लाइक वाओ 8 मिल गए हमें इस एंडोमेट्रियोसिस के साथ। एंड देन व्हाट वी डिड वाज ऑफ कोर्स वी डिड इक्सी फॉर ऑल एंड वी गॉट 6 ग्रेड ए ब्लास्टोसिस और उसके बाद अगेन ऑफ कोर्स वी हैड फ्रोजन एंड केप्ट देम एंड देन वी प्लान फॉर अ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर दिस बिकॉज पेशेंट वॉज ऑल्सो इन पेन बिकॉज ऑफ इट एंड ऑफ कोर्स एक एनवायरमेंट होता है जो नेगेटिव क्रिएट हो जाता है इसकी वजह से। तो हमने क्या, वी वेंट डिड अ लैप्रोस्कोपी, पूरी सिस्टेक्टमी की, एडिशंस हटाए, इसका यूट्रस बड़ा चिपका हुआ था, सारे पोस्टीरियर एडिशंस बना के और फिर हमने डाउन रेगुलेट करने के लिए 1 महीने के लिए हमने GnRH पे भी डाल दिया एंड देन वी डिड अ ट्रांसफर फॉर देम एंड शी अचीव्ड अ ट्विन प्रेगनेंसी उसके बाद। बट उन ट्विंस में से एक मिसकैरेज हो गया एंड इवेंचुअली शी कंटिन्यूड ऑन टू हैव अ बेबी और ये दोनों पेशेंट्स के बेबीज हैं। सो इट्स सो गुड, इट फील्स सो गुड, दिस वन वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय एंड ऑफकोर्स इनके भी रिव्यूज हैं, हमारे वीडियोज हैं हमारे चैनल पे तो आप उनको देख सकते हो। सो नेम्स आई हैव चेंज्ड सो यू विल नॉट फाइंड द सेम नेम्स बट यस द स्टोरी इज वेरी मच देयर। सो दिस इज द सक्सेस स्टोरी। अब मैंने कहा था कि हम लास्ट में ये बात करेंगे कि इसमें दोनों कपल्स में सक्सेसफुल तो दोनों हैं, दे बोथ आर वॉरियर्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। वन थिंग इट गोज ऑन टू प्रूव मोर देन कि आप अपने अंडे से आप जो है एंडोमेट्रियोसिस में भी माँ बन सकते हैं इफ सिचुएशन इज ऑफ कोर्स फेवरेबल या इफ वी ट्राई हार्ड। बट यस समटाइम्स थिंग्स आर नॉट दैट गुड, जैसे मैं पहली पेशेंट की बात करूँ तो हमें फाइनली एक
था, अगर नहीं उससे होता तो हमें डोनर एग्स पे जाना पड़ सकता था। अब बात करते हैं कि व्हाट दे डिड डिफरेंटली। जो सेकेंड कपल था उसमें हमारे पास एडवांटेज क्या था, उसकी कभी कोई सर्जरी नहीं हुई थी, सो वी कुड गेट बेटर एग्स। शी केम टू अस अर्ली, 3.5 साल ऑफ मैरिड लाइफ में शी केम टू अस रियलाइजिंग कि समथिंग इज नॉट राइट एंड देयरफॉर हमें एग्स ज्यादा मिले। हमारे पास उसके 3 एम्ब्रियोज फॉर एग्जाम्पल फ्रोजन है, विच कैन बी यूज फॉर अ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। So you see, the big advantage is that she can still have a baby with her own eggs. So this is what I'm trying to tell you, कि अगर आप endometriosis आपको है, please contact the doctor early, take treatment early. Maybe IVF is one of a good option for you. Consult the doctor. ये नहीं है कि हर patient of endometriosis needs this, but yes, significant number of patients may need assistance in conceiving. My all the best to all my people, and I would say कि endometriosis से डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि हमें baby नहीं हो सकता, हमें हो सकता है। So be positive and be happy, and I'm sure you will achieve whatever is your goal. If you like video of mine, then do share, subscribe and like to my channel, and do write to me if you want to hear more success stories. I have lot more to share, and I would love sharing with you again and again.